हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया, जो कुछ ट्रिक्स फॉलो करके आप हलवाई जैसी सुपर सॉफ्ट गुजिया बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने आधा केजी मैदा लिया है। मैदा को अच्छे से छान लिया है और मेजरमेंट के हिसाब से ये 3 कटोरी मैदा है। किसी चीज़ को हम किसी मेजरमेंट से बनाते हैं तो वो एकदम से परफेक्ट बनती है, तो एक मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने 3-4 स्पून के करीब देसी घी डाला है। देसी घी डालने से गुजिया एकदम सुपर सॉफ्ट बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो घी को और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारा घी जो एब्जॉर्ब कर ले मैदा। हमें इस तरह से देखना है कि एक बाइंडिंग जैसा आने लग गया है, तो हमारा रेशो एकदम से ठीक है। और हमें आटा लगाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ही लेना है, इससे आटा एकदम से सॉफ्ट अच्छा लगेगा। और इस तरह से एक अच्छा सा डो लगा के रेडी करना है, और इसको 8-10 मिनट के लिए इस तरह से कपड़े से ढक के रख देना है। आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, एकदम मीडियम साइज़ का आटा लगना चाहिए। एक पैन में हमने 2 स्पून के करीब घी लिया है। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, तब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। बस तभी तक रोस्ट करना है हमें इसे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। तो बराबर चलाते हुए सूजी भी रोस्ट हो चुकी है, तो उसी पैन में मैंने 2-3 स्पून घी और डाला है और ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी है वैसा ले सकते हैं। मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपको जो भी पसंद हो आप वो वाले ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एक पैन में थोड़ा सा घी डाल के हमें मावा को भी ठीक करना है। अभी थोड़ा सा फ्रिज में से निकाल के, थोड़ा इतना हार्ड जैसा हो गया है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 250 ग्राम मैदा लिया है, मावा लिया है। तो कंटिन्यू चलाते हुए ये भी सॉफ्ट हो गया है। अब सारी स्टफिंग को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने दरदरा सा पीस लिया था। ये कुछ मैंने पिस्ता लिए हैं, और ये 3-4 स्पून के करीब मैंने ये पिसी हुई शुगर ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज़्यादा।
और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो स्टफिंग भी एकदम रेडी है। अब हम गुजिया बना लेते हैं। तो मैं बिना मोल्ड के ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास मोल्ड है नहीं। तो मैं आपको दो तरह से गुजिया बनाना बताऊंगी बिना मोल्ड के। इस तरह से एक पूड़ी जैसा बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे थोड़ा प्रेस करके। किनारों को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त फटे नहीं। और एक फोक की हेल्प से इस तरह से हम प्रेस करते हुए इसमें एक डिज़ाइन डाल लेंगे। तो आप बिना मोल्ड के भी इस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से करते हुए एक अच्छा सा डिज़ाइन निकल के आएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बना है ये। और मैं एक और आपको दूसरा डिज़ाइन बताती हूँ। हमें एक पैन लेना है। पैन का ऊपर वाला हिस्सा खोल के पैन को खाली कर लेना है। और आप पैन की हेल्प से भी एक बढ़िया सा डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें। सेम वही प्रोसेस करना है, बस आपको थोड़ा आगे में जगह ज़्यादा रखनी है। इस तरह से पैन को इस तरह से प्रेस करते हुए एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आएगा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया डिज़ाइन बना है। तो इसी तरह से मैंने ये सारी गुजियाओं को भर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और हम अपनी गुजियाओं को फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, अदरवाइज हमारी गुजिया ऊपर से तो सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए हमें मीडियम गैस पे ही सेकना है इनको। इस तरह से उलटते पलटते हमें अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको, सिर्फ हल्का सा गोल्डन होना तक ही फ्राई करना है। तो ये देखिए गुजिया अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। एक टिश्यू पेपर पे इन्हें हमें बाहर निकाल लेना है। तो आप इसी तरह से एक परफेक्ट
गुजिया बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सुपर सॉफ्ट गुजिया बनके रेडी हो गई है।